हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. माई सेल्फ समसीर पीजीटी मैथ्स. बेटा, 12th क्लास में चैप्टर 6 थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी में एक्सरसाइज 6.2 के 9th क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके थे. अब क्वेश्चन नंबर 10th में चलते हैं. 10th क्वेश्चन में आपने साइन एक्स को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है. आपको जो फंक्शन दे रखे है वो दे रखे है साइन एक्स. आपने इसकी कंटिन्यूटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकलनी, एवरीवेयर करनी है. तो पहले तो मान लीजिए, लेट एनी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर है. अब इस पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं. तो कंटिन्यूटी के लिए तो वही 3 स्टेप्स होते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए टू नेगेटिव. फंक्शन फंक्शन क्या है भाई? साइन एक्स. आप इसमें पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू a माइनस एच. लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ a माइनस एच. लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास हो जाएगा साइन a कोस h माइनस कोस a साइन h. अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा साइन ए. इसके बाद राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए टू पॉजिटिव साइड. फंक्शन आपने यहां पर भी यही लेना है साइन एक्स. राइट हैंड लिमिट है इसलिए पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस एच. वेयर एच इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्वांटिटी, आप ऐसा राइट डाउन कर लेंगे. लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ ए प्लस एच. क्लियर? तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन ए कोस एच प्लस कोस ए साइन एच. और अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा साइन ए. इसके बाद फंक्शन की ए पर जब वैल्यू बताएंगे तो भी आपके पास आएगी साइन ए. क्लियर है? अब आप यहां लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ईच ए बिलोंग्स टू रियल नंबर. क्लियर है? हर एक रियल नंबर पर क्या होगा? कॉन्टिन्यूस. अब चलते हैं इससे नेक्स्ट में. 11th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, 11th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट. इसमें फंक्शन दिया साइन एक्स प्लस कोस एक्स. जो फंक्शन दे रखे है वो दे रखे है साइन एक्स प्लस कोस एक्स. इसमें कोई भी एक ए ले लेते हैं. लेट एनी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर. अभी इस ए पर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं. तो पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए टू नेगेटिव. फंक्शन फंक्शन आपके पास है साइन एक्स प्लस कोस एक्स. अब आप यहां पर पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल्स टू ए माइनस एच. तो ये आपके पास बन जाएगा क्वेश्चन, लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन a माइनस एच प्लस कोस a माइनस एच. और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट हो जाएगा साइन h प्लस कोस एच. इसके बाद राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a टू पॉजिटिव. फंक्शन है साइन एक्स प्लस कोस एक्स. आप यहाँ पर पुट कर देना एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस एच. लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन ए प्लस एच प्लस कोस ए प्लस एच. लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा साइन ए प्लस कोस ए.
और फंक्शन की ए पर वैल्यू बताएंगे तो भी आपके पास हो जाएगा साइन ए प्लस कोस ए। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की ए पर वैल्यू, दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। क्लियर। इसके बाद सेकेंड पार्ट, इलेवंथ के सेकेंड पार्ट में जो फंक्शन दिया है वो दिया है साइन एक्स इंटू कोस एक्स, प्लस की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस इतना डिफरेंस है। लेट एनी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी एक ही ले लिया जो रियल नंबर है, अब उस पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू ए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए टू नेगेटिव फंक्शन साइन एक्स इंटू कोस एक्स, आप यहां पर पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल्स टू ए माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ ए माइनस एच कोस ऑफ ए माइनस एच, आप इनको एक्सपेंड करें तो एक्सपेंड भी कर सकते हैं, साइन ए माइनस बी कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देना और उसके बावजूद भी आपके पास रिजल्ट आएगा साइन ए इंटू कोस ए। इसके बाद लेते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए टू पॉजिटिव फंक्शन आपके पास है साइन एक्स इंटू कोस एक्स, आप यहाँ पर पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस एच क्योंकि राइट हैंड लिमिट है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन ए प्लस एच इंटू कोस ए प्लस एच, तो रिजल्ट हो जाएगा साइन ए इंटू कोस ए। फंक्शन की ए पर वैल्यू बताएंगे तो भी आपके पास हो जाएगा साइन ए इंटू कोस ए। और अब कंटिन्यूटी की तीन कंडीशंस होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो अब पहले तो कारण तो बताएंगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू, दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, फंक्शन इज इक्वल टू कोस एक्स का मॉडुलस। लास्ट क्वेश्चन है 12th, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। जो फंक्शन दिया वो दे रखे है कोस ऑफ एक्स का मॉडुलस, या एक ही फंक्शन में दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, एक कोस एक्स एक मॉडुलस, तो आप अपनी तरफ से पहले तो दो फंक्शन मान लीजिए, लेट जी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, एच एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स। अब इसके बारे में आप सिद्ध थ्योरम बोल सकते हैं अगर एक नंबर का है तो, और अगर यही सवाल चार नंबर का है तो बेटा इसको प्रूव करते इसको प्रूव करते, हम ये दोनों क्वेश्चंस आपकी इस एक्सरसाइज में कर चुके हैं, कोस एक्स को भी प्रूव कर चुके हैं और मॉडुलस फंक्शन को भी कंटिन्यूस प्रूव करते हैं कर चुके हैं हर एक रियल के लिए, ठीक है। बाकी अगर एक या दो नंबर में है तो आप डायरेक्ट थ्योरम लिख सकते हैं, जी एक्स इज इक्वल्स टू कोस एक्स इज ए कोसाइन फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू रियल, हर एक रियल के लिए कॉन्टिन्यूस होगा। इसके बाद एच एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स इज ए मॉडुलस फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू रियल।
क्लियर है। अब सुनिए, मैं जी और एच, एच और जी की कंपोजिशन कर सकता हूँ, तो एक बार आप इधर करके देख ले, आपके पास होगा एच ऑफ जी इंटू एक्स, एच ऑफ जी एक्स, एच एज इट इज, जी एक्स आपके पास क्या है, कोस एक्स, और अब एच की प्रॉपर्टी लगेंगे मॉडुलस, कोस ऑफ एक्स का मॉडुलस, तो एच ऑफ जी इंटू एक्स, और अगर मॉडुलस केवल एक्स का उत्तर कोस बार होता तो एच ऑफ जी की बजाय जी ऑफ एच फाइंड आउट कर देते। कंपोजिशन की एक्सरसाइज आप फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हो। एच ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एच एज इट इज, जी एक्स आपके पास है कोस एक्स, और अब इसका मॉडुलस कोस ऑफ एक्स का मॉडुलस, और ये क्या है, फंक्शन एफ एक्स है। अब आप यहाँ कारण देखेंगे, एफ एक्स इज दी कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एच एक्स एंड जी एक्स। एफ एक्स है वो दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की कंपोजिशन है। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन एफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू रियल, ये हर एक रियल नंबरों के लिए क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। एक थ्योरम है बेटा, वो अब एग्जाम्पल बना दिया गया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर्स के लिए होता है डिसकॉन्टिन्यूस और नॉन इंटीजर्स के लिए क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। यहाँ पर वो क्वेश्चन हॉर्स में है, चलो हॉर्स के अंदर करेंगे इसको, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ तक कंप्लीट होती है, क्लियर है। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज नंबर, चलो वो क्वेश्चन कर ही देते हैं यहीं पे लगातार। थ्योरम है, एक फंक्शन एफ एक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल नॉन इंटीजर्स एंड डिसकॉन्टिन्यूस फॉर ऑल इंटीजर्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो इंटीजर्स पे तो डिसकॉन्टिन्यूस होता है और नॉन इंटीजर पे कॉन्टिन्यूस होता है, ऐसा हम प्रूव करके दिखाएंगे, इसका प्रूफ देखिएगा। वी हैव फंक्शन इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेट एनी ए बिलोंग्स टू रियल, हमने कोई भी एक ले लिया जो रियल नंबर है। अब रियल नंबर दो नंबर्स की कलेक्शन होती है, एक इंटीजर और एक नॉन इंटीजर। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट के अंदर व्हेन ए बिलोंग्स टू इंटीजर, जब ए एक इंटीजर है तो कंटिन्यूटी चेक करते हैं, देन कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए टू नेगेटिव। फंक्शन, फंक्शन तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ही रहेगा, आप इसमें पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल्स टू ए माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ए माइनस एच की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। बेटा कोई भी इंटीजर जैसे मान लीजिए फाइव लेते हैं, फाइव में से आपने बिल्कुल थोड़ा सा कम कर दिया, एच जीरो थोड़ी होता है, जीरो के बिल्कुल नज़दीक होता है, तो फाइव में से बिल्कुल थोड़ा सा कम कर दिया तो 4.99 हो गया, तो रिजल्ट फोर आया कि नहीं आया। सिक्स है, सिक्स में से बिल्कुल थोड़ा सा कम कर दिया और फिर आप उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेंगे तो यानी कि इससे कम हो जाएगा, रिजल्ट ए माइनस वन आएगा। आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर देखिए, ए की वैल्यू कोई भी इंटीजर लो, सेवन ले लो, सेवन में से एच होता है बिल्कुल छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी, सेवन में से बिल्कुल छोटा सा कम कर दो तो सेवन तो नहीं बचा, 6.999 हो गया और उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो गई क्या हो जाएगी, सिक्स, यानी कि से कम हो जाएगी, कहने का मतलब ये था। इसके बाद लेते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए टू पॉजिटिव। फंक्शन, फंक्शन आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर आई,
इसमें आप पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ए प्लस एच की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। अब ए कोई भी इंटीजर, सेवन लेते हैं, सेवन में बिल्कुल थोड़ा सा जोड़िया और उसकी फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, क्या आएगी सेवन, यानी कि रिजल्ट ये रहा, टेन है तो टेन रहेगा, तो रिजल्ट रहेगा ए। ठीक है, तो आप यहीं से कह सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर। इसके बाद चलते हैं केस सेकंड में। केस सेकंड में व्हेन ए बिलोंग्स टू वो रियल नंबर जो इंटीजर को छोड़ के, तो वो रियल नंबर जो इंटीजर्स को छोड़ के हैं वो नॉन इंटीजर ही हो गए। अब कंटिन्यूटी चेक करते हैं, देन कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। अब कंटिन्यूटी चेक करते हैं ए पर, कंटिन्यूटी के लिए वही तीन स्टेप्स, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए टू नेगेटिव, फंक्शन फंक्शन कौन सा है आपके पास है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आप यहाँ पर पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल्स टू ए माइनस एच। अब सुनिए, ए यहाँ पर नॉन इंटीजर है, जैसे 3.7 है, 3.7 में से बिल्कुल थोड़ा सा कम गया तो भी 3.6 समथिंग है, और उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 हो जाएगी, 3.8 है तो भी 3 होगी, 3.9 है तो भी 3 होगी, 3.1 है तो भी 3 होगी। ठीक है, तो फिक्स अंतर वाली बात तो नहीं आएगी, तो हम इसे जस्ट लेस इंटीजर के मान लेते हैं, वेयर के इज एन इंटीजर, जस्ट लेस देन ए, जहाँ पर वो ए से जस्ट लेस इंटीजर क्या है, के है, जैसे एक वैल्यू पॉइंट में 3.7 हुई तो 3 होगी, इसकी वैल्यू 5.7 है तो 5 होगी, 5.9 है तो भी 5 होगी, 5.1 है तो भी 5 होगी। इसके बाद लेते हैं राइट हैंड लिमिट, और एच के बारे में और बता देना, वेयर एच इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए टू पॉजिटिव, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। आप इसमें पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ए प्लस एच की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। ठीक है, अब ए कोई भी नॉन इंटीजर है, जैसे 3.7 है, उसमें आप एच जोड़ोगे तो रहेगा 3.8, एच इतना नहीं कि उसको 4 तक पहुंचा दे, एक वैल्यू चाहिए 3.9 है तो भी एच उसको 4 नहीं बना सकता, कभी भी 3 पॉइंट समथिंग ही रहेगा, तो रिजल्ट इससे जस्ट लेस इंटीजर आएगा, 3.1 है तो भी 3 आएगा, 3.2 है तो भी 3 आएगा, 3.8 है तो भी 3 आएगा, यानी कि इस में पूरा अंतर तो नहीं आएगा एक का, लेकिन इससे जस्ट लेस इंटीजर है, और ए से जस्ट लेस इंटीजर हमने क्या मान रखे है, के, वेयर के इज एन इंटीजर, जस्ट लेस देन ए। क्लियर है। इसके बाद फंक्शन की ए पर वैल्यू, अब की बार ए एक नॉन इंटीजर है, पॉइंट्स में 3.7 है तो भी 3 आएगा, 3.9 है तो भी 3 आएगा, 3.1 है तो भी, यानी कि इससे जस्ट लेस इंटीजर आएगा, और इससे जस्ट लेस इंटीजर हमने क्या मान रखे है, के, वेयर के इज एन इंटीजर। आप एग्जाम्पल लेकर देखिए, अपने आप समझ जाएंगे, इंटीजर जस्ट लेस देन ए। क्लियर है। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर मतलब वो रियल नंबर जो इंटीजर को छोड़ करके। बेटा बहुत ज़बरदस्त थ्योरम है, ग्रेट, और इस चीज़ का हम यूज भी करेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर्स पे तो होता है डिसकॉन्टिन्यूस, और नॉन इंटीजर्स पे क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। क्लियर हो गया।
तो डिसकंटिन्यूस होगा इंटीजर पे और कॉन्टिन्यूस होगा नॉन इंटीजर पे। क्लियर हो गया बेटा? आपका कंटिन्यूटी का टॉपिक कंप्लीट होता है। चैप्टर का नाम था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशिबिलिटी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप एक एक क्वेश्चन को बेटा बिल्कुल साफ और सुंदर कीजिए। ये क्वेश्चन आपकी बुक में या नहीं तो की एक्सरसाइज मिलेगा, पुरानी बुक्स में एक्सरसाइज में ही है। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से करिए, ये नहीं कि हमारी बुक में नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट, आपकी एक्सरसाइज में हॉर्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप अपनी कॉपी को अपडेट करें, साफ और सुंदर काम करें। और बेटा 20 तारीख का आपका यूटी है, मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड का एक एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट करवाया गया है। ध्यान से देखें, सुने, रिवाइज करें। रिवाइज अगर अच्छे से कर लेंगे तो यूटी बेटा बहुत अच्छा जाएगा। ओके, थैंक यू।